वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है माइक्रोवेव कॉफ़ी केक। बहुत ही ईजी रेसिपी है और अगर आपके पास ओवन या कन्वेक्शन ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में भी केक बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको देगची में भी केक बनाना सिखाया है, वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर है माइक्रोवेव के मुकाबले में। इस केक के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है: मैदा 200 ग्राम तकरीबन 1.5 कप के बराबर, दूध 1.25 कप, तेल 3/4 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर 1/4 कप, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चाय का चम्मच, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर 2 चाय के चम्मच या आपके टेस्ट के मुताबिक, कॉफ़ी एसेंस 1/2 चाय का चम्मच, अगर कॉफ़ी एसेंस अवेलेबल नहीं है तो वनीला एसेंस ऐड कर दें। सबसे पहले एक बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें जिसमें मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर शामिल है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लें। दूध के अंदर इंस्टेंट कॉफ़ी को शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसके ग्रैन्यूल्स डिसॉल्व हो जाएं। अब एक बड़े बाउल में अंडे, कॉफ़ी या वनीला एसेंस शामिल करें और इसे थोड़ा सा ब्रेक करके मिक्स कर लें। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे विस्क करें। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसमें ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर शामिल करें। कुछ लोगों को ब्राउन शुगर का फ्लेवर नहीं पसंद क्योंकि उसकी खुशबू थोड़ी सी ओवरपावरिंग होती है। अगर आप ओमिट करना चाहते हैं तो ब्राउन शुगर को ओमिट करके 3/4 कप तक कैस्टर शुगर शामिल कर दें। जब शुगर मिक्स हो जाए तो इसमें ऑयल और कॉफ़ी मिला हुआ दूध शामिल कर दें। अगर थोड़ी सी भी कॉफ़ी रह गई है तो पहले उसे अच्छी तरह से डाइल्यूट करें, इसके बाद इसे मिक्सचर में ऐड कर अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। तमाम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएं और विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला लें। मैंने आज मुझे राउंड केक बनाना था इसलिए मैंने सिलिकॉन का बेकिंग पैन यूज़ किया है, लेकिन मेरा ओपिनियन में पायरेक्स की डिश माइक्रोवेव केक के लिए बेस्ट है। आपने मेरी चॉकलेट केक की रेसिपी देखी होगी, उसके केक का टेक्स्चर और इस केक का टेक्स्चर आप उसमें देख सकते हैं। माइक्रोवेव केक्स के जो बैटर होते हैं वो थिन होते हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा दूध बढ़ा लीजिएगा, लेकिन बैटर को थिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिस भी पैन में आप केक को बेक करना चाह रहे हैं उसमें तमाम बैटर शामिल कर दें और हमेशा माइक्रोवेव केक के बैटर्स हाफ वे तक भरते हैं। इसे कभी भी 3/4 तक भी मत लेकर जाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा राइज होते हैं। और मैंने सिलिकॉन का मोल्ड यूज़ किया, इस वजह से मैंने इसे ग्रीस नहीं किया। अगर आप पायरेक्स की डिश यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसे ग्रीस कीजिएगा। इसके बाद आप इसे 6 मिनट तक 100 पावर पर बेक कर लें। मेरा माइक्रोवेव 1000 वाट का है। जब ये थोड़ा सा सेंटर में ऊपर आपको गीला लगे तभी आप इसे निकाल लें क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद खुद ब खुद डन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट बना है। बस ये जो प्रॉब्लम हुई है, जो बीच में से डोम निकल आया है और इसमें अंदर भी बबल्स बन गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि जब मैंने केक बैटर को सिलिकॉन मोल्ड में पोर किया था तो मैं उसे शेक नहीं कर पा रही थी। हमें हमेशा केक बैटर डालने के बाद पैन को 2 से 3 दफ़ा टैप करते हैं ताकि उसके अंदर से सारे बबल्स निकल आएँ। केक जब तक कूल होता है हम इसकी आइसिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है 2 कप व्हिपिंग क्रीम, 1/2 चाय का चम्मच कॉफ़ी एसेंस या फिर वनीला एसेंस, 2 चाय के चम्मच कॉफ़ी। आप कॉफ़ी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरह से पहले रेफ्रिजरेटर में चिल कर लें, तकरीबन वो हाफ सेमी सॉलिड हो जाए। इसके बाद आप उसे निकालें और इसे बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि वो थिक हो जाए। मेरी क्रीम में शुगर ऑलरेडी एडेड है, अगर आपके पास शुगर ऐड नहीं हुई भी है तो आप इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। कॉफ़ी को थोड़े से पानी में डाइल्यूट करें और इसके बाद एसेंस और डाइल्यूटेड कॉफ़ी को क्रीम में शामिल कर मिक्स कर लें। अगर आपको इसका कलर थोड़ा डार्क चाहिए और आपको कॉफ़ी ऐड नहीं करनी है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ब्राउन फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जब केक कम्प्लीटली कूल हो जाए तब आप इसे 2 हिस्सों में काट लीजिए। मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है और मैं इसकी मदद से इसे केक पर अप्लाई कर रही हूँ।
पैलेट नाइफ की हेल्प से केक की क्रीम को लेवल कर लीजिए। इसके बाद केक की सेकंड लेयर रखें और ऊपर से क्रीम लगा दें। केक के टॉप का जो उभरा हुआ हिस्सा था उसे मैंने छुरी की मदद से लेवल कर लिया है। पैलेट नाइफ की हेल्प से मैंने क्रीम को लेवल कर लिया है। केक को कम्प्लीटली आइसिंग से कवर कर दीजिए। रिमेनिंग आइसिंग को मैंने स्टार नोजल के साथ पाइपिंग बैग में भरकर केक के टॉप बॉर्डर्स पर डिजाइन बनाया है, जिसकी वीडियो क्लिप मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है, उसके लिए सो सॉरी। इसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट सॉस फिल की है और इससे मैंने टॉप पर स्पाइरल्स बनाए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस केक को वैसे ही प्लेन रखना चाहते हैं तो वैसे ही रख सकते हैं। फिर किसी भी स्टिक की मदद से, शाशले के स्टिक हो या फिर टूथपिक की हेल्प से, आप इस पर इस तरह से डिज़ाइन बना लें। इसके बाद मैंने रिमेनिंग चॉकलेट सॉस से केक के साइड्स पे टॉप पे इस तरह से उसे अप्लाई किया है ताकि वो ड्रिपिंग पोजीशन में ही सेट हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।